हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 5.10 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.11। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या सीखना है। अभी तक हम लोगों ने फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। यहाँ से हम लोग क्या सीखेंगे, फ्रैक्शन का डिवीज़न सीखेंगे। ठीक है, तो डिवीज़न सीखने से पहले एक चीज़ आपको सीखना पड़ेगा जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, उसके बाद हम डिवीज़न को करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, ऐसा मान के चलिए जस्ट उल्टा, अपोजिट। इनवर्स मीन्स क्या होता है, जस्ट अपोजिट, उल्टा। तो अगर एक फ्रैक्शन आपके पास गिवन है, आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पे 2/5 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5/2। ठीक है, क्या करना है, जस्ट आपको उल्टा कर देना है उसको। अगर क्वेश्चन में अगर आपके पास दिया है 8/11, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, 11/8। तो बहुत ईजी है, क्या करना है, जस्ट आपको जस्ट उल्टा कर देना है। मान लीजिए एक क्वेश्चन और है जिसमें केवल 10 लिखा है, ये फ्रैक्शन में नहीं दिया है। ठीक है, क्या लिखा है, 10 है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो वैल्यू 10 ही आएगा। मतलब किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू सेम आता है, तो 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा, तो 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं। अब क्या करना है आपको, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो जस्ट उल्टा कर दीजिए आप, 1 को ऊपर कर दीजिए और 10 को नीचे कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/10। ठीक है, तो यही चीज़ आपको डिवीज़न करते टाइम यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर बी देखिए, डिवाइड एंड राइट द आंसर इन द लोएस्ट टर्म। आपको क्या करना है, डिवाइड करना है और जो भी आंसर आएगा उसको कैंसल आउट करके लोएस्ट टर्म तक लाना है आपको। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, 2/4/9। तो सबसे पहले क्या करिए, इसको आप फ्रैक्शन में लिखिए अच्छे से। जैसे ये 2 है, इसको हम चाहें तो 2/1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 4/9। यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है, ये फर्स्ट वाला पार्ट क्या होता है हमारा, डिविडेंड होता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं, और ये जो सेकंड वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइज़र बोलते हैं। इससे अपने को डिवाइड करना है। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइज़र को क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MI बोलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तब जा करके आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए सॉल्व कैसे किया जाता है, ये 2/1 जैसा है वो वैसा ही रहेगा। इस डिवाइड वाले साइन के जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे, उसके बाद ये जो सेकंड पार्ट है, जो डिवाइज़र है, उसको आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है जस्ट उल्टा। कितना, 4/9 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब हम लोग मल्टीप्लाई में सॉल्व किए थे ना, अब ये क्वेश्चन आपका हो गया मल्टीप्लाई वाला, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए 2 1 2, 2 2 4, ऊपर कितना बचा, 9 बचा, और नीचे कितना बचा, 2 बचा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 9/2। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या, कि आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट हैगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ से आपको चेंज करना है, जो डिवाइड का साइन है उसको किस में कन्वर्ट कर देना है आपको, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में करने के बाद जो डिवाइज़र वाला पार्ट होगा उसको उल्टा कर देना है। जैसे 4/9 है, तो ये क्या हो जाएगा, 9/4। बस यही चीज़, इतने स्टेप्स को बनाने हैं और उसके बाद सॉल्व करना है, जैसे आपने मल्टीप्लाई में सॉल्व किया था। सेम मतलब डिवीज़न का क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया, तो वैसे ही आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4/7/4। ठीक है, तो सबसे पहले इसको तो अच्छे फ्रैक्शन में लिख लेते हैं हम लोग। तो ये 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था, याद करिए, फर्स्ट वाले पार्ट में नो चेंज, 4/7 का 4/7 ही होगा। ये डिवाइड वाला साइन किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में, और उसके बाद जो डिवाइज़र वाला पार्ट होगा, इसका आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, मतलब जस्ट उल्टा। तो 4/1 है, तो इसका हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे 1/4 पुट करिए, इतना करने के बाद आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये देखिए 4 1 4 4 1 4 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचेगा केवल 1 और नीचे बचेगा 7, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/7। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन को और ले लेता हूँ मैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 10 होल 1/2 है,
ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 और ऊपर 1, 21 बाई 2, और ये डिवाइड और ये 3 बाई 1, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट नो चेंज, 21 बाई 2 रहेगा, डिवाइड वाला साइन किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में, और डिवाइजर वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 3 बाई 1 का हो जाएगा 1 बाई 3। इसके बाद आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो ऊपर आएगा 7 और नीचे आएगा 2। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर देता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 3 बाई 8 डिवाइडेड बाई 1 होल 5 बाई 6। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें कितना आएगा, 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 11, 11 बाई 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वाला पार्ट मैंने बताया था नो चेंज, 3 बाई 8 नो चेंज, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उल्टा कर दीजिए, 5 बाई 11। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 3 इंटू 5 15, और 8 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 88। यहाँ पे कोई कैंसल आउट नहीं हो रहा था, इसलिए आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 5.11 कंप्लीट होता है, जहाँ पे हम लोगों ने डिवीजन को सीखा, बहुत ही ईजी था। अब इस चैप्टर का एक लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.12 बचा है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, और उसमें आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, सेंटेंस बना करके आपको डिवाइड करना है। आप कोशिश करिएगा बनाने के लिए, नहीं तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिवाइड का वर्ड प्रॉब्लम बता दूंगा, तब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा ये लेंदी चैप्टर था, इसमें ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है। इसके बाद 2 चैप्टर और बचेंगे, तब जा करके आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।